हाँ तो भाई लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूँ मिस्टर टैकर, आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं लाया हूँ ई स्पोर्ट्स न्यूज़ पाकिस्तान के बारे में। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि PMPL का क्या बना, कब होगा, तो उसके लिए भी मैं अपडेट लाया हूँ, तो आपके लिए भी लाया हूँ। और दूसरे नंबर पर न्यूज़ यह है कि आईजिन प्रेडेटर जो है, उन्होंने अपनी लाइनअप चेंज कर लिया, और उस लाइनअप में न्यू प्लेयर्स आए हैं, टफ के, पेस के, और कौन कौन से हैं वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और तीसरे नंबर पर यह न्यूज़ है कि 24/7 ने PMPL के लिए नून अपनी रोस्टर में एक और एलीट प्लेयर को मतलब शामिल किया है। तो वो एलीट प्लेयर कौन सा है और किस टीम से उसको पहले ताल्लुक था, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईजिन प्रेडेटर के बारे में, जिन्होंने अपनी न्यू लाइनअप बना ली है, जिसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से न्यू प्लेयर आए हैं। तो गाइस, ये वाइट प्रेडेटर की स्टोरी है। न्यू लाइनअप IG इनोमर, IG रीपर OP, IG टफ वेनम, वाइट प्रेडेटर, IG स्वाद और IG स्नीक। तो इसमें किस किस टीम से लोग आए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो न्यू लाइनअप है, ये आईजिन के नाम से ही होगी। तो इसमें पेस, टफ और आईजिन के प्लेयर्स मिलकर ये एक लाइनअप बनी है। तो न्यू लाइनअप में आईजिन रीपर होंगे, आईजिन एडगर हो गए हैं, आईजिन वेनम, आईजिन प्रेडेटर, आईजिन स्नीक, आईजिन उमर, तो ये सारे हो गए हैं। अब सारों का नाम आईजिन हो गया है। तो पहले टफ, वेनम, पेस, स्नीकर, तो ये सारे पेस रीपर जो हैं, ये सारे आईजिन में आ गए हैं। और ये अपने न्यू टूर्नामेंट्स जो भी होंगे, जैसे भी कोई स्क्रिम्स वगैरह और अगला PMCO वगैरह, सब इसी नाम से खेलेंगे। तो गाइज, अगली न्यूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि 247 ने जो अपना रोस्टर चेंज किया, उसमें कौन सा एलीट प्लेयर आया है। तो ये मैं आपको बता दूंगा, पेस वेजिटा जो है, उन्होंने ये 247 का स्क्वाड ज्वाइन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उमी, लकी, जट, गेमिंग, वेजिटा, तो नंबर 5 पे आ गए हैं। वेजिटा जो कि थे पहले पेस वेजिटा, पेस में थे, और अगला 6 नंबर पे है टू बी डिसाइडेड। तो हो सकता है कि एक और कोई लीड प्लेयर जो है वो भी 247 को ज्वाइन कर ले PMPL के लिए साउथ एशिया में। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो मुझे कमेंट में बता दें कि पेस वेजिटा ने क्या, मतलब अब तो 247 वेजिटा हो गए हैं, तो उन्होंने क्या सही फैसला किया 247 को ज्वाइन करने का, या फिर गलत किया है, या आप मुझे कमेंट में बता दें। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि है PMPL के बारे में। PMPL साउथ एशिया सीज़न 2 कब से हो रहा है, क्या सीन है। तो गाइस, अभी अभी हमें इत्तला मौसूल हुई है कि जो पाकिस्तान की जो 3 टीमें हैं जो कि PMPL खेलेगी, तो उनको इनवाइट आया है डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने का। PMPL का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वो बन चुका है, और उसमें इन तीनों टीमों को इनवाइट आया है ज्वाइन करने का। डिस्कॉर्ड सर्वर में होता क्या है कि जैसी कोई अपडेट आती है तो वो डिस्कॉर्ड सर्वर में बताते हैं, ID, पासवर्ड, सारा कुछ वहीं पर आता है। तो जहाँ तक बात है इंडियन टीम्स की, इंडिया में अभी तक अनबैन नहीं हुई, तो वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उनको अभी तक इनवाइट नहीं आया डिस्कॉर्ड का, और बाकी सारी कंट्रीज़ में प्लेयर्स को आ चुका है, मगर इंडिया को नहीं आया। तो क्या PMPL जो है इंडिया के बगैर होगा, तो इंडिया प्लेयर से और बाकी सारी मतलब सोर्सेज से पता चला है कि इंडिया को कोई भी इस तरह का नोटिस नहीं मिला इंडियन टीम्स को। तो क्या होता है इंडियन के बगैर, क्या पता PMPL होगा। देखिए, 15 तारीख से पहले पहले उन्होंने कहा है कि अपने रोस्टर जो हैं वो फाइनल करके हमें बता दें, पाकिस्तानी टीम्स को कहा है कि अपने रोस्टर, जैसे 247 ने वजीटा को शामिल किया है, तो इस तरह अपना स्क्वाड फाइनल करके बता दें 15 सितंबर, मतलब कल से पहले पहले। तो मेरे ख्याल से होने वाला है जल्द ही, PMPL जल्द ही हो जाएगा। तो जैसी कोई अपडेट आती है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आगे देखते हैं इंडियन टीम्स होती हैं कि नहीं, क्या होता पाकिस्तान को और स्लॉट मिल जाएँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कोई अपडेट आती है मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आप मेरे से कोई पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है mr.tech-yt, तो यहाँ पर मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप फॉलो करके वहाँ पर मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर आप मुझे पबजी में मतलब नूबड़े के साथ खेलना चाहते हैं मुझसे, तो मेरी ID का नाम है SS फुरकान, उर्दू में फुरकान, तो आप वो देख सकते हैं, ये मैंने सामने लिख दिया है। तो जैसी कोई अपडेट आती है मैं वीडियो बना दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।